इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है या फिर ये एक्शन, जैसे मार्कोनी काप का नियम। मार्कोनी काप का नियम सबसे पहले आपको समझना ये जरूरी कि मार्कोनी काप का नियम क्या है। मार्कोनी काप का नियम समीप और असमीप, पहले ये समझ लो कि समीप और असमीप दो प्रकार के हैं। समीप का मतलब क्या होता है, सिमेट्रिकल, जब कोई दो शीट बराबर भागों में, सी एच टू है डबल बॉन्ड सी एच टू है, तो ये अगर तोड़ेंगे तो दो बराबर भागों में टूट जाएगा, तो ये क्या होगा समीप, दोनों को बराबर बराबर हिस्सा मिलना। और समीप क्या कहलाता है, जब जैसे ये है इसमें इसमें दो बराबर भाग नहीं हो सकते हैं, तो ये क्या है, क्योंकि छह और सात हाइड्रोजन है बराबर भाग में बटेंगे नहीं, चलो असमित रहेगा। तो समित और असमित के आधार पर ही मार्कोनी काप का नियम है। तो किसमें क्या लिया जाता, असमित क्या लिए जाते हैं इसमें, असमित। और ये कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, योग की अभिक्रिया, कोई चीज में जुड़ता है। तो किसी असमित एल्कीन पर, समित ने याद रखना अगर सिमेट्रिकल है तो मार्कोनी काप का नियम नहीं होगा, असमित एल्कीन पर जब असमित अभिकर्मक जैसे हैलोजन अम्ल जो होते हैं ना, ठीक है, असमित एल्कीन पर जब असमित अभिकर्मक का योग, असमित अभिकर्मक का हैलोजन अम्ल की जब योग मतलब जोड़ा जाता है, आपस में उनको जोड़ते हैं, तो द्विबंध युक्त कार्बन परमाणु जिसमें दो बंध वाला कार्बन परमाणु विद्युत ऋणात्मकता वाला भाग उस भाग कार्बन से जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम है। इतना दिमाग में बैठा लो कि मार्कोनी काप के नियम के अनुसार जो ऋण वाला भाग उस भाग उसमें हाइड्रोजन पर जुड़ेगा जहां पे किस हाइड्रोजन कार्बन कहां जुड़ेगा, जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है ऋण वाला भाग। अब इसलिए मालूम है कि हाइड्रोजन अम्ल है तो क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयन में सब में क्या होता है, माइनस चार्ज होता है, और किसकी अभिक्रिया करा रहा है, हाइड्रोजन अम्ल की। ऑफिशियल सी बात है कि अगर HCl है तो क्लोरीन क्या है उसमें, हैलोजन लगा है। HBr है तो Br क्या है, हैलोजन है। तो इतना तो आपको दिमाग में आ ही जाएगा कि द्विबंध युक्त कार्बन परमाणु अधिक ऋण विद्युत वाला भाग, तो ऋण वाला भाग उस कार्बन में जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या क्या है कम है। इतना क्लियर हुआ। जैसे उदाहरण के लिए प्रोपीन पर जब HCl है हाइड्रोजन ब्रोमाइड की क्रिया कराई जाती है, ये प्रोपीन है और जब इसमें HCl की क्रिया कराएंगे तो आपको सामने दिख रहा होगा कि देखिए ये वाला भाग में हम हाइड्रोजन कहां दिख रहे हैं, यहाँ पे सबसे कम दिख रहा है, बंध टूट जाएगा, ये बंध यहाँ आ गया, एक दो तीन हो गया और एक इधर चार, तो क्या बैलेंसी हो जाएगी, तो देखो ये वाला बांध कहाँ आ जाएगा, घर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, देखो सबसे कम कहाँ दिख रहा है, हाइड्रोजन यहाँ पे दिख रहे हैं ना, तो सबसे कम वाला भाग कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये हाइड्रोजन इधर होगा हटके यहाँ आ जाएगा और बंध यहाँ आ जाएगा, तो बैलेंस हो गया CH3CL बॉन्ड CH3CL, तो कहाँ पे जुड़ा, जहाँ पे सबसे कम हाइड्रोजन है। ऋण वाला भाग कहाँ पे जुड़ा, इसमें जो ऋण होता है ना, ऋण वाला भाग कहाँ पे जुड़ा, जहाँ पे सबसे कम हाइड्रोजन है, और ये वाला हाइड्रोजन कहाँ, इसमें जुड़ गया, और ये वाला बंध इधर आ गया, तो CH3CH3CH बैलेंस हो गया। तो आपको दिमाग बैठाना पड़ेगा कि मार्कोनी काप का नियम किसके आधार पर होता है, जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम होती है वहाँ पे आप कौन सा भाग जोड़ेंगे, ऋण वाला भाग जोड़ेंगे, और किस पे होता है, ये असमित में, ना कि सिमेट्रिकल। असमित का मतलब क्या है, जो बराबर भागों में कार्बन हाइड्रोजन को नहीं बटा गया था उसको क्या कहते हैं, असमित। और समित का मतलब क्या, सपोज दैट जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो अब इसको काटेंगे तो ब्रोमाइड का अलग और हाइड्रोजन अलग है, असमित ही है, समझ में आ रहा, बट इसमें क्या हो रहा है, समित है ना, तो ये इसमें क्या लेते हैं मार्कोनी काप के नियम में, असमित एल्कीन लेते हैं और किसका योग कराते हैं इसमें, असमित अभिकर्मक या हाइड्रोजन अम्ल। तो ऑफिशियली सी बात है, ये असमित है कि हाइड्रोजन और ये क्लोरीन है, समित है, समान है, ये समान है क्या, प्लस और माइनस है, ये हैलोजन है, ये हाइड्रोजन है, असमित है, तो असमित का योग। इसके विपरीत क्वेश्चन पूछता है खैरस इफेक्ट, खैरस नामक वैज्ञानिक के आधार पर इसका नाम क्या पड़ा, खैरस इफेक्ट या पराक्साइड प्रभाव। अगर मार्कोनी काप का नियम पूछेगा तो पराक्साइड प्रभाव भी बतानी पड़ेगा, या खैरस इफेक्ट किसे कहते हैं। तो मार्कोनी काप के विपरीत होता है, मार्कोनी काप के विपरीत कैसे होता है आपको समझ में आ ही गया होगा, इसमें ऋण वाला भाग उस जगह जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो, सीधा सिंपल है। तो एग्जाम्पल में दिया हो तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, ब्रोमीन माइनस, माइनस वाला भाग कहाँ जुड़ गया, सी एच टू में, और यहाँ एक एच आ गया, तो वन ब्रोमो ब्रोमीन। या इसी पद्धति में आपको मैं बता चुकी हूँ पढ़ने का तरीका, जैसे वन टू थ्री है ये फर्स्ट नंबर, दो नंबर ने क्या जुड़ा है, क्लोरीन, यहाँ पर टू क्लोरो प्रोपेन, ये पहले नंबर जुड़ा तो वन ब्रोमो प्रोपेन। तो ये खैरस और पराक्साइड इफेक्ट है। तो आपको अगर मार्कोनी काप का नियम समझ में आ गया कि असमित में होता है, जो पराक्साइड प्रभाव जो होता है मार्कोनी काप के विपरीत होता है, इसे खैरस इफेक्ट भी कहते हैं। मार्कोनी काप का नियम जो होता है, जिसमें जुड़ते हैं माइनस वाले भाग जिसमें हाइड्रोजन कम होता है, और खैरस वाले में वहां पे जुड़ते हैं जहां पे माइनस वाला भाग कहां जुड़ेगा, जहां हाइड्रोजन की संख्या
जागा होती है. बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके थैंक यू.